बायोमास ब्रिकेट्स। बायोमास ब्रिकेट्स कोयले का सब्स्टिट्यूट है। जिन इंडस्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, अब उन जगहों पर बायोमास ब्रिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कारण है कोयले और लकड़ी को जलाने से एनवायरनमेंट में काफी पॉल्यूशन पैदा होता है। लेकिन अब बायोमास ब्रिकेट्स का इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन कम होता है और साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। बायोमास ब्रिकेट्स को एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, बादाम के छिलके, पराली, जंगलों के सूखे पत्ते इत्यादि से तैयार किया जाता है। प्लास्टिक को छोड़ हर वो चीज जिसे जलाया जाता है उसका इस्तेमाल करके बायोमास ब्रिकेट्स तैयार किए जाते हैं। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेकर आया है बायोमास ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग पर इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आपको मिलेगी इस बिजनेस को शुरू करने की पूरी जानकारी। रॉ मटेरियल के तौर पर आप किसी भी तरीके के एग्रीकल्चरल वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मूंगफली, अखरोट, बादाम का छिलका, जंगलों के सूखे पत्ते, पराली इत्यादि। प्रोसेस। बायोमास ब्रिकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। अगर वेस्ट मटेरियल का साइज 25 mm से ज्यादा होता है तो वेस्ट मटेरियल को बायोमास क्रशर या ग्राइंडर की मदद से क्रश कर लिया जाता है। वही अगर वेस्ट मटेरियल का साइज 25 mm से कम होता है तो आपको बायोमास क्रशर की मदद से क्रश करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसके बाद इसे लोडर की मदद से वाइब्रेटर में डाल दिया जाता है जहां क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग के बाद कन्वेयर की मदद से इसे ब्रैकेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां क्रश मटेरियल को हाई प्रेशर की मदद से प्रेस करके बायोमास ब्रिकेट्स की शेप दी जाती है, जिसके बाद इसकी पैकेजिंग करके इसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एरिया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 से 5000 गज की आवश्यकता होती है। मैन पावर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10 से 12 मैन पावर की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 10 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। मशीन्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लोडर, वाइब्रेटर, ड्रायर, ब्रैकेटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी उसकी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। ओवरऑल यूनिट सेटअप करने के लिए आपको लगभग 45 से 50 लाख रुपए तक की आवश्यकता होगी। मेरा नाम रघुवीर सिंह प्रजापति है और मेरी कंपनी का नाम प्रजापति ट्रेडर्स है। हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग ये काम पिछले 25 साल से कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, आप उसको समझिए सोयाबीन का छिलका हुआ, मूंगफली का छिलका हुआ, सरसों की तूड़ी हुई, या जो आजकल दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जड़ है, पराली, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं और उसको एक इंडस्ट्रियल फ्यूल की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपको लगभग 20 से 25 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता होगी। उस हिसाब से आप लगभग 70 से 80 लाख रुपए से इस बिजनेस को अच्छे लेवल पर सेटअप कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। रॉ मटेरियल के तौर पर आपको एग्रीकल्चरल वेस्ट की आवश्यकता होगी, जिसे आप लगभग 2 से 4 रुपए पर केजी के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। ये प्राइस सीजन पर भी डिपेंड करता है, जिसे आप मार्केट में लगभग 6 से 7 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज इस बिजनेस में आपको 10% का वेस्टेज होता है। यदि आप 100 किलो का मटेरियल यूज करते हैं तो आप लगभग 90 किलो का फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप 15 टन पर डे प्रोडक्शन करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट हटाकर आप महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी डिपेंड करती है। लाइसेंस। इस बिजनेस के लिए आपको GST नंबर, उद्योग आधार,
फैक्ट्री लाइसेंस और फायर एंड पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेने की आवश्यकता होगी। अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे अपकमिंग इवेंट्स और वर्कशॉप की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।